नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि महिला के शरीर में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा या कम आते हैं। कई बार प्रेग्नेंट होने के बाद ये वाइट डिस्चार्ज बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, तो ऐसा क्या बदलाव है, ऐसा कौन से छोटी छोटी सी बातें हैं जिसकी वजह से ये वाइट डिस्चार्ज आपके पूरे लाइफ स्टाइल को डेली प्रभावित भी करती है। जब आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा आते हैं तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सारा दिमाग आपका वहीं पर लगा रहता है और आप ये बातें किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं। ये जो डिस्चार्ज होता है ये महिला के हेल्थ को भी इंडिकेट करता है कि ये हेल्थ प्रॉपर अच्छा है या नहीं है, या फिर कोई बीमारी का संकेत है। इसलिए वाइट डिस्चार्ज के बारे में हर महिला को प्रॉपर पूरी जानकारी होनी चाहिए। समय समय पे ये वाइट डिस्चार्ज महिला के अंदर अपना रूप रंग भी बदलता है, जिसकी वजह से आपको वो बेस्ट टाइम भी पता चलता है, जब आपके ओवुलेशन होते हैं, जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वाइट डिस्चार्ज की वजह से पता चल जाता है, और अगर कोई आपकी यूट्रस में प्रॉब्लम है तो ये इसको भी इंडिकेट कर देता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये वाइट डिस्चार्ज क्या होता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये इस वाइट डिस्चार्ज को हम लिक्विडिया के नाम से जानते हैं। ये महिलाओं के शरीर में बहुत आम बात है, सभी महिलाओं को कभी ना कभी फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपकी यूट्रस होती है वो सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन होती है। यूट्रस के अंदर हर महीने एक एग आता है डेवलप होके, जिसकी वजह से अगर सेल नहीं मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो फूट जाता है। फिर आपके पीरियड्स आते हैं, इसमें काफ़ी सारे डेड सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, जिनका बाहर सेड ऑफ होके निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा हेल्दी रहें और हर महीने आप प्रेगनेंसी के लिए एक हेल्दी रूप से रेडी हो पाए। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको यूट्रस को अच्छे से क्लीन करने के लिए हमेशा डिस्चार्ज जो है वो बाहर जाता रहता है। तो ये एक गुड साइन ऑफ सिम्टम्स है कि आपका यूट्रस हेल्दी है, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में निकलता है। बिकॉज ऑफ दिस, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन महिलाओं के शरीर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा होता है उन्हें ये डिस्चार्ज भारी मात्रा में भी हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्योंकि ये हार्मोनल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, सो फ्रेंड्स जब वाइट डिस्चार्ज आपको जाती है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये वाइट डिस्चार्ज में किसी भी तरीके की कलर एबनॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। इसमें बहुत हाई अमाउंट में गंदी स्मेल्स या बदबू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो वाइट डिस्चार्ज होता है इसका एक पर्टिकुलर फिशी स्मेल होता है जो कि बिल्कुल माइल्ड होता है और गंदी बदबू नहीं आती है। जब आपको अगर गंदी स्मेल आने लग जाए या फिर ये वाइट डिस्चार्ज रेड या भूरा या ग्रीनिश स्लीटी कलर का दिखाई देने लगे या बहुत अधिक येलो कलर का हो जाए, तो ये हमारे ईस्ट इन्फेक्शन या फिर यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को दर्शाता है, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से यूट्रस में भी इन्फेक्शन हो सकता है, आपको स्वेलिंग हो सकती है, आपको यूरिन पास करते समय काफ़ी तेज़ दर्द हो सकता है, रिलेशन बनाते समय काफ़ी तेज़ दर्द हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन को शो करती हैं, जिसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब जब वाइट डिस्चार्ज आपको ज़्यादा आ रही है, इसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई गंदी स्मेल नहीं आ रही है, कलर भी नॉर्मल है, तब आपको पैंटी लाइनर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उस समय हाइजीन मेंटेन करना बेहद इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन से बचने के लिए। आप पैंटी लाइनर या फिर अपने पैंटी को समय समय पे चेंज करिए, गीली चीज़ों को अपने इंटरनल पार्ट में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको और भी ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो हमेशा कॉटन पैंटी ही पहनना चाहिए, और प्रेगनेंसी में ये एक आम बात होती है जो कि कुछ ट्राइमेस्टर के बाद ठीक अपने आप हो जाती है। बट अगर आपको थोड़ी सी भी कोई भी ऐसी संकेत मिले जो कि नॉर्मल नहीं है आपके लिए, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डिस्कस करिए, और प्रॉपर उस समय मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो आई डेली होप अब आप समझ गए हैं कि वाइट डिस्चार्ज क्या हो
होता है, कब होता है और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। इसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, जिसके आंसर मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें। अपना पूरा ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहिए। फ्रेंड्स, मिलूंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।